हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम सैनी। दोस्तों, यदि आपको टाइफाइड का बुखार है या फिर आपको मलेरिया का बुखार है, आपको डेंगू हो गया है जिसके कारण आपके प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गई हैं, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको लेने से आपकी प्लेटलेट काउंट काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया प्लेटेंजा टैबलेट के बारे में। इसका यूज क्या होता है, डोज कितना देना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसका मार्केट प्राइस कितना है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए सर वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल मेडिकल इन्फो पर नए आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट जो है वो प्लेटलेट्स की कमी को काफ़ी तेज़ी से पूरा करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें गिलोय, काली मिर्च, पपीता, भूतहाती आदि इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए होते हैं। दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट के मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 65 रुपये से 70 रुपये के बीच में इसकी 20 गोलियाँ आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं प्लेटेंजा टैबलेट के यूज के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट का जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग डेंगू के बुखार में, मलेरिया के बुखार में, टाइफाइड हो जाने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। लीवर के संबंधित रोग में भी हम प्लेटेंजा टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों यह इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है। और दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट का उपयोग बैक्टीरियल बुखार में भी किया जाता है, यानी कि यदि आपको वायरल फीवर है तो भी आप प्लेटेंजा टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, आदि इसके यूज होते हैं। बात करते हैं प्लेटेंजा टैबलेट के डोज के बारे में, इसका डोज कितना लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एडल्ट हैं तो आप सुबह शाम खाना खाने के बाद इसकी 2-2 गोलियाँ आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट का उपयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, इसका उपयोग बच्चों में नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, प्लेटेंजा टैबलेट का उपयोग यदि आप गुनगुने पानी से करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बात करते हैं प्लेटेंजा टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये प्लेटेंजा टैबलेट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। बात करते हैं प्लेटेंजा टैबलेट के सवालों के बारे में, तो दोस्तों इसका उपयोग हमें गर्भवती महिला में नहीं करवाना चाहिए। और दोस्तों, इसका उपयोग हमें स्तनपान कराने वाली महिला में करवाने से पहले हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसका उपयोग हमें गाड़ी चलाते समय भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम शराब के साथ कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका उपयोग हमें शराब के साथ भी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या प्लेटेंजा टैबलेट की लत लग सकती है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा प्लेटेंजा टैबलेट की लत नहीं लगती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।